अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाईजान? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्बू भाई क्या है, मोहम्मद इमरान का फोन मेरे पास आया था अभी राजस्थान से, वो भी अहले हदीस ही है, तो उससे जो है ना कि एक मसला पूछनी है, वो जो सलाम फेरने से पहले जो उंगली उठाई जाती है, हाँ उसकी हदीस वो पूछ रहा है, तो जरा उसका नंबर अभी आएगा, नाम इमरान बताएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 580। सही मुस्लिम हदीस नंबर 580। चलो हम बता देते। कितनी बार आप लोगों से कहा है हवाले याद कर लो मेरे भाई, कब कहाँ क्या काम पड़ जाए, याद करने में कितना टाइम लगता है भाई? मुस्लिम से, सही मुस्लिम से हदीस नंबर 580। ठीक है भाई हम बता देते हैं, शुक्रिया भाई। और सब ठीक है? बनारस आए थे आप या माल में आए थे? कभी आ जाओ मेरे घर। अच्छा अच्छा, बनारस में आप रहते हैं? हम तो, मैं बनारस में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे आप माल में कहाँ जाते हैं? सिगरा उगरा के पास जाते होंगे, जीएसटी में जाते होंगे, इस सब में जाते होंगे, आ या तो कुछ करते होंगे, तो आप कोई सप्लाई करते होंगे तो। चलिए इंशाल्लाह आपके लिए, अगर ऑफिस के टूर से आएंगे तो मिलेंगे, ठीक है? हाँ आप इस टूर से आइए तो मिलिए। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो। हाँ सलमान भाई, क्या हाल है भाई? आप आदमी बहुत अच्छे हो, सीधे साधे आदमी हो, लेकिन बात यही अफसोस होता है कि मेरे भाई बरेलवी बनने के बाद आदमी एकदम भटक जाता है। जी जी हाँ बोलिए। हाँ भाई, हम कह रहे हैं कि भाई आदमी आप अच्छे लगे, आपने बहुत प्यार से बात की, लेकिन बरेलवी बनने के बाद आपका दिमाग का माला हिल गया है, बस इसका अफसोस है। यही हम कहते हैं कि आपका दिमाग हिल गया, वरना ऐसी बात ऐसी गुफ्तगू ना करते ना हम ऐसे उसमें आते। तो भाई हमने क्या गलत कहा, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। हमने जो चीजें कही है सबके हवाले आपको दिए, अब आपको वही बात है ना, आपको अपने आगे मानना ही नहीं है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, गोल तो थोड़ी ना पिला देंगे। असल बात क्या जो है, मना तो आपको दे मगर आप खुद ही नहीं माने। अरे तो ये वो दुनियादारी को खुद ही बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, आप बोलिए आप क्या हमको समझाना चाहते हैं। चलिए तो उस पर यकीन किया जाए, चलिए आप हमको हवाला मेरे भाई ना दिखाइए, खाली जबान से बता दीजिए, हम इंशाल्लाह मान लेंगे। आप बोलिए तो क्या चीज़ आप हमको मनवाना चाह रहे हैं, बताइए। असल बात क्या, आपको मैं बुलाऊंगा समझे? अरे वो इंशाल्लाह जब आप दावत देंगे वो मेरे भाई तब की तब देखा जाएगा। अभी आपको क्या समझाना है मुझे? पहले हदीसों का कौन सा अमल अकीदा ऐसा है जो बिल्कुल गलत है, बता दीजिए, हम तौबा कर लेते हैं। नहीं नहीं सलमान भाई, हम ये कह रहे हैं अहले हदीसों का कौन सा अकीदा मेरे भाई बातिल है, गलत है, आप बता दीजिए ताकि हम तौबा कर लें ना। अभी तो तुमका यार, अगर तौबा करे बात तो पढ़े लिखे रहो, पहले ऐसा काम ही ना करते भाई। पढ़े लिखे थे तभी तो बरेलवियत को लात मार दी, अगर झोला छाप होते तो आज भी मेरे भाई बरेलवी बने रहते। बस ये आराम खोरी तुम्हें अच्छी नहीं लागत भाई, हराम पूरी क्या आप ऐसी बात ही कर रहे हैं, जब मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास असल में कुछ है ही नहीं, आप खाली बर्तन है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप। अहले हदीस जो अहले हदीस बन गए परवतन इब्लीस समझो, तो हम खुद देखिए आपकी जबान कोई मोतबर नहीं है कि आप अपनी जबान से अहले हदीसों को इब्लीस बोल देंगे तो वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। हमें कुरान हदीस पेश कीजिए ना, अगर हम अपनी बात को वापस ना ले तो लात मार दी है काबिल। तो बरेलवी काम ही ऐसा करते हैं लात मारने वाला, जब देखो तीजा चालीसवा छठी चिल्ला कुंडी बरसी ग्यारहवीं बारहवीं ईद मिलाद और शबे बारात और शबे मिराज, पता नहीं दीन में इतनी बिदते भाई ईजाद कर दी है कि कोई आम इंसान क्या करे, लाती तो मारेगा। मगर तुम्हारे जैसे बिदाती पैदा हो गए तो कौन सी बिदत काम कर रहे हैं बताइए ना। तुम खुद बिदत हो यार, तुम पैदा हो के बिदत हो, तुम्हारा बाप। अच्छा मतलब पैदा होना बिदत है, पैदा होना तो कुरान से साबित है, अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है कि हमने हर इंसान को एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है, और आप करो पैदा होना बिदत है। मैं कहता हूँ कि तुम बिदत नहीं हो, तुम हराम पैदावार हो।
अब भाई देखिए, अब ये बात आलिमाना अंदाज में आप नहीं कर रहे हैं। आप एक अच्छे आलिम दीन है, आलिमाना अंदाज में बात कीजिए भाई। हम जैसे मानने वाले तो हलाल पैदावार है। अच्छा, आपके वहाँ खाली ये मतलब ये हलाली हरामी इसके अलावा कुछ है ही नहीं कि कुरान हदीस खत्म हो चुका है क्या आपके वहाँ? इतने बड़े वो कबलात हो कि तुम सही तरीके बात नहीं कर का बरेली लात लात तो हम तुम्हारे जैसे नहीं मान। अरे भाई, लात अपनी संभाल के रखिएगा, नहीं चलने के काबिल आप नहीं रहेंगे। अच्छा तो लगा लीजिए शोर जितना लगाना पौवा। अरे भाई, आपके लिए पौवे की क्या जरूरत है भाई, फूंक देंगे तो आप ढेर हो जाओगे। खैर वो सब बातें अलग हैं। मेरे कहने का मकसद ये भाई, अहले हदीसों का कोई अमल कोई अकीदा अगर मेरे भाई गलत है गुमराही वाला है तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उसको बताएं ताकि हम उसकी तहकीक करें और तौबा करें। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि तुम हरामी की औलाद हो, ये कोई मेरे पे दलील होती है? तुमने जो बोला कि बरेली को हमने लात मार दिया तो किसके जरिए? भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, मरते मरते आखिरी सांस तक बोलूंगा कि अल्लाह का शुक्र है जो मैंने मेरे भाई अपनी जवानी आने से पहले बरेलियों को लात मार दिया, वरना अब तक अभी मेरे भाई तीजा चालीसवा छठी चिल्ला में अटका रहता। बरेलवी ऐसा मेरे भाई, बरेलवी ऐसा बातिल मजहब है जो अपनी मैयत के नाम से भी खाना मेरे भाई पूछता है। अरे भाई, हमको लग रहा है आपने भड़ास निकालने के लिए फोन किया है। ठीक है, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, तो तुम हो जहन्नमी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बरेलवी और अहले सुन्नत कभी मेरे भाई बराबर नहीं हो सकते। वही मैं बता रहा हूँ, और तुम बराबर का तुम्हारे जैसे और आती जाती रहे। पीरों के पीर पिरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनेतुत तालबीन उसके जिल्द एक सफा नंबर 166 पे कहते हैं, आज के दौर में अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अताबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। बरेलवियों को तो अहले सुन्नत आज तक किसी ने नहीं कहा। अहले हदीस बन गए परवतने इबलीस, वो अहले हदीस। अरे भैया, कौन से अहले हदीस? अहले हदीस दुनिया में एक ही है जो कुरान हदीस को मानता है बस, और जो कुरान हदीस को नहीं मानता वो या तो बरेलवी होगा या तो देवबंदी होगा या कादियानी होगा, वो अहले हदीस नहीं हो सकता। सारा छोड़ दियो, देवबंदी भी नहीं मानते हो? अरे वो भी तो चले। अरे देवबंदी बरेलवी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बरेलवी देवबंदी ये एक ही थाली के मेरे भाई चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही इमाम को मानते हैं, दोनों सीना पीट के कहते हैं कि हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हैं, और ये दोनों ऐसे मुकल्लिद हैं एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ ले तो उनका निकाह टूट जाता है। ये है तकलीद की बरकत, ये है अंधी पैरवी की बरकत कि दोनों हनफी हैं, एक बरेलवी हनफी एक देवबंदी हनफी। भाई आपसे ये पूछना है असली हनफी कौन है? अच्छा, तो तुम बीचों बीच में होगा ना? हम बीच में नहीं है, हमने दोनों को लात मार के अल्हम्दुलिल्लाह वापस कुरान हदीस पे आए। हमें जाओ नहीं इच्छा को लात मारिए ना कि वाकई असल में हमें भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो ये फुटबॉल होता है खेलने का बहुत शौक है, तो हमने बरेलवी और देवबंदियत को इतनी लाते मारी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल का मैं बहुत अच्छा मेरे भाई बन चुका हूँ प्लेयर। अच्छा प्लेयर, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं मेरे भाई किसी दिन मेरा घूम जाए तो मैं आपको आपको बना दूं फुटबॉल, तो इसलिए मेरे भाई इल्मी बात करना है कीजिएगा, फैमिली बना जाइएगा आज के बाद। अगर मैं जो है आइडिया दे देता हूँ, सच्ची दे देता हूँ, मैं लाल हो तो अगर आकर दिखा दो और सही सलामत चले जाओ तुम्हारे जैसे साथ। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। आला हजरत के मानने वालों को आता क्या है मारपीट के अलावा? सुनने के नाथ वो खाली मारपीट कर ले बस, पहले हदीस पढ़ने लगे बताओ। हाँ तो भाई मारपीट वाली नात है ना, तो हमने कहा पढ़ ले, ये जो नात है ना ये कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध। जो बरेलवियों ने ये जो गाना बनाया है ना,
कि आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, काट कर फेंक देंगे आधा इधर आधा उधर, ये कानूनी अपराध है। आपके पास आप खुलेआम मारपीट की धमकी दे रहे हैं, आप खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि काट के आधा इधर आधा उधर फेंक देंगे। मतलब क्या बरेलवियों की अम्मा का राज चल रहा है या उनकी अम्मा मेरे भाई भारत को मेरे भाई दहेज में लेके आई थी? बरेलवियों की अम्मा क्या इंडिया को मेरे भाई दहेज में लेके आई थी या बरेलवियों के बाप की जागीर है ये हिंदुस्तान? भाई बरेलवियों के बाप की जागीर है हिंदुस्तान? तो हम कहते किसी नहीं, मतलब भारत का कोई कायदा कानून संविधान है कि नहीं? मतलब आप लोग खुलेआम मेरे भाई मार काट की बातें करते हो, शर्म नहीं आती आप लोग को? एक हाथ के हो नहीं और बताते हो कि काट देंगे आधा इधर आधा उधर फेंक देंगे। तौबा तौबा तौबा, अभी तो तुमने आजमाया ही नहीं ना। अरे भाई आप लोग को आजमा चुके हैं मेरे भाई, आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है अफू खान, मैं बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ, ठीक है? बरेलवी मेरी ससुराल है, मैंने बरेलवियों को कायदे से नापा है, बरेलवी कितनी औकात है उनकी सब पता है। बाद में ऐसे वीडियो वाला फारूक खान लैपटॉप बाबा उर्फ गालीचा बाबा उर्फ एक नंबर का राजवी किया, जिसको हदीस पढ़ना नहीं आता है, मंता चब्बा अम्मा अब्बा जिसको हदीस में अम्मा अब्बा याद आ जाते हैं, वो क्या मेरे सामने आएगा? उसकी औकात है बात करने की? हम तो एक लाख रुपए लेके भाग गया वो जाहिल आदमी, भिखारी आदमी फारूक खान लैपटॉप बाबा, साला चिंदी चोर, एक लाख रुपए लेके भाग गया। तुम कौन बाबा? बजरंगी बाबा? नहीं, हमारे वहाँ बाबा उसको कहते हैं जो भीख मांगता है भाई, हमारे वहाँ बाबा उसको कहते हैं जो भीख मांगता है। भीख मांगता है? हाँ। अच्छा, देखिए बरेलवियों के यहाँ जितने मेरे भाई भिखारी होते हैं वो उनको बाबा बना लेते हैं, कोई लैपटॉप बाबा तो कोई गालीचा बाबा तो कोई फला बाबा, और हमारे वहाँ कहे मालूम है भाई, हमारे इलाहाबाद में जो लोग भीख मांगते हैं ना उनसे हम लोग कहते हैं, उनसे हम लोग कहते हैं बाबा टूटे पैसे नहीं है। अरे बाबा जाओ बाद में आना, तो बाबा हमारे वहाँ जो मेरे भाई भिखारी होते हैं उनको कहते हैं। अच्छा, भिखारी तुम्हारे घर में जो है जाते हैं क्या जो है भिखारी? अरे और क्या मेरे भाई, अमीरों के वहाँ तो आते रहते हैं भिखारी, भीख मांगने जाते। अरे कभी तुम भी आ जाना मेरे भाई, तुम्हें भी भीख दे के कह देंगे लो जाओ बाबा, ठीक खुश रहो। मैं जैसे भिखारी के लगे तो हम लोगों जाने। अच्छा भैया ठीक है, भूल बच्चन आपका हो गया, जुमलेबाजी हो गई, क्योंकि आपसे कोई इल्मी बात तो हो नहीं पाएगी, आपसे खाली पहेलियां बुझवा लो लच्छे दार, समझो? बोल बच्चन वाले डायलॉग तो तुम मार रहे हो। अरे हम क्या मार रहे हैं, जब हम आप इतनी देर से पूछ रहे हैं अहले हदीसों का कौन सा अमल कौन सा अकीदा ऐसा है जो गलत हो, अभी तक आपने बताया ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि अहले हदीसों का कोई अकीदा मेरे भाई बातिल नहीं है, अगर बातिल होता तो अब तक आपने बता दिया होता। असल बात क्या हो, जब हक पर हो तो उनका कोई अकीदा हो, जब अकीदा है नहीं तो क्या क्या है? तो क्यों कहते हो कि ये वहाबियों का कीदा गंदा है, जब मेरे भाई अहले हदीसों का, वहाबियों का, देवबंदियों का, 24 नंबर का कोई अकीदा ही नहीं है, तो बातिल का इल्जाम क्यों लगाते हो मक्कार? रब कह रहा है कि उनको जो है अल्लाह अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। तर्जुमा करो इसका। अरे क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? आयत तुम पढ़ लो, दलील तुम दे रहे हो, तो तर्जुमा तुम करोगे ना? कभी कहेंगे जाहिल यार, अजीब पागल आदमी हो। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथों बुरानुकुम इंतुमकुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत दो, दलील दो। तो आयत आप पढ़ रहे हो दलील में, तो माना उसका आप बताओगे या आयत पढ़ के हमसे भीख में मांगोगे कि इसका माना बताओ? ये कौन सी बात होती है? तुमको दलील भी देना नहीं आता है? दलील वलील तो तुमको सब आता, तुम हमको इतना जो है साले जो है आपसे कर दियो कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। देखा अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवियों की दूल्हा भाई के सामने अच्छे अच्छे बरेलवियों का मेरे भाई दिमाग एकदम मैं बता रहा हूँ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज उड़ गया ना आपके दिमाग का जो करते हो। चलो मिनटों पर एक और दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है? जो औलिया इकराम होते हैं उनका, अरे एक रुपए खर्चा कर दो मेरे भाई, मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और जाके इल्म हासिल करो, उसके बाद फोन करना, ठीक है? अबे इल्म तुम हासिल करो, जा तुम्हें जैसे साथी हासिल करें। अच्छा हमको इतना बता दीजिए,
असली हंसी कौन है, बरेलवी है या देवबंदी है, ये तो मालूम ही होगा आपको। अब यही हम आपसे पूछ लें कि असली हंसी कौन है। हाँ, अहले हदीस असली हंसी है। अहले हदीस तो बात है यार, अहले हदीस असली हनफी है, असली शाफई है, असली मालकी है और असली हम्बली है। अहले हदीस चारों जो इमाम है उनकी इज्जत करता है, उनसे मोहब्बत करता है और जो मसले उनकी कुरान हदीस से साबित है उस पर अमल करता है। कोई नहीं मानता क्या? सुन्नी नहीं मानते क्या? क्या चार इमाम को मानते हो तुम? तो चार इमाम को मानते हो तुम? मानते हो ना चारों इमाम को? तुम मानते हो ना? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम मतलब इतना डरते क्यों जवाब देने से? बिल्कुल हर बात, मतलब चारों इमाम जो है बरहक है ना, आजम अबू हनीफा जो है मानने वाले हम। तो अभी तो कह रहे थे कि हम चारों इमाम को मानते हैं, अब कह रहे हो इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हो। सब अपनी जगह पर ठीक है, समझो। मतलब तुम लोग का ये उसूल है कि पब्लिक के सामने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हो कि चारों इमाम मतलब बरहक हैं और हम चारों को मानते हैं, लेकिन अकेले में कहते हो कि हम एक इमाम को मानते हैं, बाकी तीन को हम छोड़ देते हैं। यार अजीब पागल आदमी, चारों इमाम अगर बरहक हैं तो चार में से तीन इमाम ठीक है नमाज में वो लोग मेरे भाई रफुलदैन करने के कायल थे, तो आप मेरे भाई चार में से एक को लेते हो बाकी तीन को क्यों छोड़ देते हो? चारों इमाम अपनी अपनी जगह पर बरहक है, मगर हम अपनी अपनी जगह पर बरहक है, लेकिन मगर हनफी तो मेरे भाई बिल्कुल नाहक है, बातिल है, तो वो कहाँ से हक पे हो जाएगा? को बिल्कुल आपने सही कहा, चारों इमाम अपनी अपनी मेरे भाई जगह पे बिल्कुल बरहक है, लेकिन जो उनके मानने वाले अंधे मुकल्लिद है वो बिल्कुल मेरे भाई नाहक है। तो अंधे मुकल्लिद तो आप है, हम किसकी तकलीद करते हैं? तकलीद और मुकल्लिद इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, मुकल्लिद तो जाहिल होता है। उनके ऊपर चलते भी हैं, और तुम्हारे जैसे पहले पता क्या थे एक दो साल, अब जो ये पता कौन जो तुम लोग जो ड्रामा निकाल दो अहले हदीस, ये नया फिरका काले पता कहाँ से ले आए? अहले हदीस नया फिरका, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। नबी की हदीस है, जामे तिर्मिजी की चैप्टर का बाप का नाम है किताबुल फितन, उसमें आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शाम के लोगों में बिगाड़ आ जाएगा तो मेरी उम्मत का एक ताइफा एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी और उसको नुकसान पहुंचाने वाले उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। और इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जो ताइफा है, इस ताइफा मंसूरा से मुराद अहले हदीस असाबुल हदीस है। तो इमाम तिर्मिजी हनफियों के आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अहले हदीस बता दिया था, और तुम कह रहे हो अहले हदीस कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, अहले हदीस तो हर जमाने में रहेंगे, क्योंकि ये मेरे नबी ने फरमाया है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, हमेशा यानी अल्लाह के नबी के दौर से लेके कयामत तक। अरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हदीसों की बरकत है कि जो हदीस का तुमने नाम नहीं सुना था वो तुमने चार पाँच साल में कम से कम हदीस तो सुनी। अरे हनफी लोग हदीस पढ़ते कहाँ थे? हनफी लोग तो फतवे पढ़ते थे ना, ये अहले हदीस की बरकत है जो हनफी लोग मजबूरी में हदीस पढ़ के देखने लगे। तो हदीस नहीं बनी और कोई पढ़ता नहीं, तुम बड़े काबिल हो गए, तुम जो खुदा जब दीन देता है तो अगले छीन लेता, वही वाला तुम्हारा काम हो गया। अहले हदीस की बरकत से हनफी लोग कम अज कम हदीस को खोल के देखने लगे हैं, नहीं चार पाँच साल पहले तो हनफी हदीस भी खोल के नहीं देखते थे। तुम्हारा दिल ही गंदा, तुम्हारा ईमान ही गंदा। सलमान भाई आप कैसे सलमान हो यार, मतलब कोई आपके अंदर ना हिकमत है ना कोई इल्म है, ये क्या मामला चल रहा है? इल्म तो बात की बात है, मगर यहाँ इंसान की जो बोली भाषा पहचान लेते कितना जो चलिए अच्छा रखिए भाई आपको बहुत टाइम दिया। हेलो हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वो जिस नंबर वालों को बोलना था। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं राजस्थान जयपुर से बोल रहा हूँ। जो हम बार बार में जो उंगली का इशारा करते हैं ना अत्तयात में, अत्तयात में उंगली से इशारा करते हैं तो क्या करें उसमें? उसमें ये है कि ये देव
देوبندی نے حدیث نمبر 180 سے ثبوت دو بھائی صحیح مسلم حدیث نمبر 580 صحیح مسلم حدیث 580 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں جو مطلب جو یہ ہوتا ہے گھٹنا اس پہ رکھتے اور اپنی داہنی انگلی کو انگوٹھے کے نزدیک اٹھا لیتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے. جی ٹھیک ہے جی. آپ کانپور کب جا رہے ہو؟ آپ کانپور کب جا رہے ہو؟ کانپور سر کانپور سے بھی دو دن پہلے تو آئے. آپ کیا کانپور ہی میں شفٹ ہو جائیں کیا؟ الہ آباد چھوڑ دیں؟ جی الہ آباد میں تو رہو. پاپا چندری رہو آپ. لیکن وہ جو اپنے جو ہے نا کیا نام ہے یہ بریلوی کے تھے نا یہ کیا نام ان کا فاروق خان رضوی لیپ ٹاپ بابا ہاں ان سے آپ کا جو مناظرہ بھی نہیں ہو پایا الہ آباد کے اندر 19 تاریخ کو. پھر آپ 3 تاریخ کو جو ہے کانپور پہنچنے والے تھے. کانپور میں کیا ہوا پھر؟ کچھ نہیں ہوا جی. آپ نے کہا نا کہ ہم وہاں جاتے ہو ان کا نام لے کے چیلنج کریں گے. ہاں ہاں کریں گے. ابھی رک جائیے, ابھی مچھلی کو تڑپنے دیجیے تھوڑا. جی جی. اپنا کام یہ ہے کہ دم پہ ایک بار پیر مار دو تو پیر پھر ہٹاؤ مت. تبھی تم اس کی پیر کے نیچے آ جائے تبھی تو پیر ماریں گے. جی جی. ان لوگوں نے ایک جو ایک مدعا کافی اٹھا رکھا تھا وہ یہ کیا نام ہے یہ دیوبندی کے جو عالم ہے نا طارق جمیل صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ حسن تو کیا ہے پاگل ہے جو گھر والوں میں شہید ہو گئے. تو ان کا ایک جملہ ایسا بولا ہوا انہوں نے پکڑ لیا. تو فاروق خان رضوی جی نے یہ کہا تھا مکہ کے اندر جو ہے سیلاب آیا باڑھ آئی کہ اللہ معذور تھا اللہ نے کیوں نہیں روکا. معاذ اللہ. یعنی ہاں انہوں نے اللہ سے تہمت لگائی تو بریلوی جو ہے ان کو تو پکڑتے نہیں ہے بھائی. اب میں کیا بتاؤں, میں بریلویوں سے اتنا میرے بھائی دکھی ہوں. ان کی وجہ سے ہمارے دین اسلام کو اتنا لاس اتنا نقصان پہنچ رہا ہے کہ کیا بتائیں. پتہ نہیں یہ لوگ چاہتے کیا ہے, نہ ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث ان کے اٹکتی ہے, نہ صحابہ کو میرے بھائی فالو کرتے ہیں نہ نبی کی بیوی کے عقیدے کو ماننے سے. پتہ نہیں ان کو چاہیے کیا یار. ان کو چاہیے سب. ہم کو لگ رہا ہے دھندا پانی چل رہا ہے. دھندا پانی اور سنائیے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہاں بڑھیا چل رہی ہے الحمد للہ. بار بار کیا آپ کے جو ہے نا اوڑیو ہمارے سننے میں اوڑیو بہت کم شیئر کر رہا ہوں اس بار سے یوٹیوب پہ بھائی. اب اصل میں پہلے زیادہ آڈیو ڈالتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنی ڈال دیتے ہیں کہ ہم ایک دن میں سن نہیں پاتے ہیں, تو اس لیے ایک دن میں خالی وہی 2-3 ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں بس. آگے آگے اس بار تو آپ کی جو ہے ویڈیو جو تقریباً 10 منٹ کی آتی ہے 16 منٹ کی آتی ہے, پہلے تقریباً 45 منٹ 40 منٹ 1 منٹ کے لگ بھگ آتی تھی. وہ بات کرنے کے اوپر ہے نا. اب سامنے والا اگر میرے بھائی اچھی بات کرتا ہے تو زیادہ دیر تک بات کرتے ہیں. اچھی بات کہا کرتا ہے وہ. ایک آپ نے بات کری تھی ان سے ہڑبڑ گڑبڑ میں آپ نے نام نکالا ان کا ہڑبڑ گڑبڑ. ان کو تھوڑی تمیز اور تیزی بتائیے کہ ہمارے اپن جو دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کیا, اخلاق کے دائرے میں بات کریں, وہ اخلاق کے دائرے میں بات نہیں کرتا. ارے بھائی اب اگر بریلوی لوگ اخلاق سیکھ جائیں گے اس دن میرے بھائی دنیا کا ماحول نہیں بدل جائے گا. جی آپ وہ آڈیو تو میں شروع کی آپ کی الحمد للہ آپ نے بہت صبر کیا آڈیو میں تو بہت صبر کرا. ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اپنے کو بھیا اپنے ساتھ اللہ کو رکھنا ہے نا. اب بھائی جس کی ٹیم میں اللہ ہوگا اسی کی ٹیم تو کامیاب ہوگی. بھائی یہی معاملہ ہے بھائی. چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ بھائی ہمیشہ بھائی اپنے ساتھ بنا رہے اس لیے صبر کرتے ہیں, ورنہ ان کی کون باتیں سنے گا کون گالیاں سنے گا. ابھی میں کیا ہے یعنی تقریباً 2 یا 3 سال جماعت کے ہوں
तो मेरे जो एक मेरे दो MLA मुझे दिमाग में क्या थल वाली रखी है, एक तो जुमे की और एक तीन रखा जो वेटर वाली है ना उसके मामले में। जो मेरे सच्ची लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने ये तो वेटर है 11 ही पड़ी है और 7 भी पड़ी है और 5 भी पड़ी है, 3 भी पड़ी है और 1 भी पड़ी है। हालांकि मैं करता हूँ अमल, एक भी पढ़ लेता हूँ मैं तो एक में क्या सकून नहीं मिलती ना, हदीस आंखों के सामने नहीं आई ना मेरे भाई। ये भी हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में आती है, अब उसका हदीस नंबर इंशाल्लाह देखना पड़ेगा, याद नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो एक रकात फितर पढ़ते थे। माविया रजी अल्लाह अन्हु और जुमे की जो है मैं अंदर अमल ये है कि मैं जाती हूँ दो रफा नमाज एक दिन वजू एक दिन मस्जिद पढ़ता हूँ, उसके बाद दो रफा नमाज जो फर्ज इमाम पढ़ाते हैं वो पढ़ता हूँ, फिर दो रफा नमाज सुन्नत, फिर दो सुन्नत पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ। हाँ देखिए जो जुम्मे की मतलब जो नमाज की रकातों के ताल्लुक से है वो ये है कि जुम्मे में मेरे भाई अगर आप जल्दी मेरे भाई चले जाते हैं तो दो दो करके जितनी मेरे भाई नफिल आपको पढ़नी है आप आराम से पढ़िए, लेकिन अगर मेरे भाई आप जुम्मे में पहुंचते हैं और इमाम मतलब भाई उठ जाते हैं खुतबा देने के लिए तो बैठने से पहले आपको दो रकात पढ़नी है, दो रकात पढ़ने के बाद बैठ के खुतबा मेरे भाई आप आराम से सुनेंगे गौर से, उसके बाद इमाम के साथ आप पढ़ेंगे दो रकात, उसके बाद अगर आप मेरे भाई वहीं पे ठीक है मस्जिद के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आप मेरे भाई दो दो रकात करके चार रकात पढ़ेंगे, और अगर आपको मेरे भाई घर पे आके पढ़ना है तो इमाम के साथ दो रकात पढ़ के, अगर आप डायरेक्ट मतलब नमाज पढ़ना है घर पे अपने तो खाली आपको दो रकात पढ़ना है। वो मतलब अजीब लम्बी मिल जाता तो होता ना सुन लेता हूँ भाई, असल में इतने हवाले याद है ना मेरे को खुद कंफ्यूजन होने लगी है, कोई एक आध हवाले याद हो तो मेरे भाई बता भी, बहुत सारे हवाले हैं सर, सब दिमाग में गड़बड़ शड़बड़ हो गया है, अब हमको लग रहा है एक बार मतलब हमको खोल खोल के देखना पड़ेगा रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हवाले याद कर लिए हैं यार, तो कभी कदार तो बड़ी मुश्किल से मेरे भाई याद करना पड़ता है भाई, एकदम रट्टा मारना पड़ता है तो थोड़ा दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे देख के ठीक है। और ये मेरा नंबर है अगर आप सेव करना करो तो कर लेना ताकि मैं भी जुड़ा रहूँ, कोई मसला और पूछ लो। आप अपने व्हाट्सएप पे मतलब वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे आप अपना नाम हमको आप भेज देना तो नंबर ही आपका सेव कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर यही है क्या आपके यहाँ देख रहे हैं? यही एक ही नंबर है भैया मेरे पास, एक ही नंबर कहा है आपका नंबर, हमारे साथी के पास भी आपके नंबर, मतलब नंबर मेरा एक ही है बाकी मतलब एक ही नंबर से व्हाट्सएप चलता है, एक ही नंबर से कॉलिंग होती है। वो सिक्का दे दीजिए आपने और जो आपने सिक्का रख रखा है वो इनाम के तौर पे। कौन सा सिक्का? जी वो सिक्का उन्होंने एक नाट पढ़ी थी ना आपके लिए। अच्छा 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 वो जो बरेलवी जो गाना गाया था मेरे लिए पप्पू जैसे, पप्पू जैसे कितने हैं जी बेचते हैं अखबार रजा की गलियों में, गलियों में। वो लेने भी आएंगे। गलियों से याद आया और कितनों से याद आया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे चौगी हजार फिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पता नहीं इन लोगों को मतलब जब मेरे भाई कुरान हदीस से दलील दे नहीं पाते हैं तो गाना गाने लगते हैं। चलिए फिर रखते हैं, ओके अस्सलाम वालेकुम।